नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। दुनिया को अपने दाव से भरमाने की कोशिश में जुटे इमरान खान की पोल कराची प्रशासन ने खोल दी है। इमरान पिछले 1.5 महीने से ऐसा प्रचार कर रहे थे कि उसने कोरोना वायरस से जंग पूरी तरह जीत ली है और अब पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुक्त होने के कगार पर है। दुनिया से झूठी वाई वाई लेने के चक्कर में इमरान खान ने न सिर्फ झूठे आंकड़ों का खेल खेला बल्कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जंग को भी कमजोर कर दिया। इसका नतीजा आज खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में इमरान के बहकावे में आकर लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा दी। परिणाम यह हुआ कि कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई जिस कारण यहां पर 100 से अधिक रेस्तरा और वेडिंग हॉल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए शहर के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन भी लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान की सरकार केवल उन्हीं लोगों की टेस्टिंग कर रही है जिनमें कोरोना के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से वहां संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत तेजी से नीचे गिरी है, परंतु पिछले 3 दिनों में यहां स्पष्ट नजर आने वाले कोरोना लक्षण मरीज बड़ी तादाद में बढ़ गए हैं। 48 घंटों में अकेले कराची में 600 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। यह पाकिस्तान में कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है। पाकिस्तान की गैर सरकारी संस्थाओं के मुताबिक पाकिस्तान में हर 8वां मुल्ला कोरोना संक्रमित है। पाक सरकार अपने आंकड़ों में कुल मरीज 3,13,431 बताती है और उसके मुताबिक मात्र 6,495 मुल्ला ही हुरों की तलाश में निकले हैं। परंतु इस देश में स्थिति कहीं उलट है। यहां टेस्टिंग पूरी तरह धीमी कर दी गई है और सरकार ने इसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। लोगों को यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि कोरोना का पीक टाइम गुजर चुका है और मुल्ला कौम पूरी तरह से हो गई है। रही सही कसर कोरोना से मरने वालों के आंकड़े छिपाकर पूरी कर दी गई है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के तमाम हिस्से कोरोना वायरस की चपेट में हैं। वहां मौतें भी हो रही है और महिलाएं इद्दत में भी बैठ रही है। फर्क सिर्फ यही है कि वे अस्पताल में नहीं आ रहे हैं बल्कि घर से ही हुरों के लिए प्रस्थान करते हैं और सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। इस वजह से ना उनकी मृत्यु की वजह साबित होती है और ना उनका आंकड़ा सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो पाता है। आपको यह जान लेना चाहिए कि पिछले दिनों ही 300 से ज्यादा टोपीबाज चीन की वैक्सीन की ट्रायल की भेंट चढ़ चुके हैं, मगर इमरान सरकार ने आज उनसे भी पल्ला झाड़ लिया है। लोंडे ने इसको चीन पाकिस्तान संबंध बिगाड़ने की साजिश करार दिया है, मगर उस साजिश का क्या जिसे इमरान ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए मदरसा पैदाइश के खिलाफ रचा है। वैसे भी दुनिया के शांति प्रिय देशों को इनके पैदा होने पर जितना दुख होता है, हुरों की इनकी तड़प देखकर उतनी ज्यादा खुशी होती है। इसलिए दुनिया की भलाई के लिए इमरान का यह फंडा जरूर तारीफ काबिल है। 1 हफ्ते पूर्व ही इमरान खान ने पाकिस्तान के सभी स्कूल खोलने का ऐलान किया था। उनके ऐलान के बाद ये स्कूल पूरी तरह खोल भी दिए गए, मगर अगले दिन ही इन स्कूलों को बंद करना पड़ गया। पाकिस्तान अब तक जिन मामलों को छिपा रहा था उनके सार्वजनिक होने का जोखिम भी बढ़ गया था। यानी इमरान अपने फंडे के झंडे गाड़ने के लिए वह तमाम कोशिश कर रहा है जिससे उसकी हवा बनी रहे, पर अब हवा उल्टी दिशा में बहना शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में उन टोपीबाजों की टोपी विलुप्त होने वाली है जो इमरान के चक्कर में फक्कड़ बने घूम रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पोल पूरी तरह खुलने का सायरन बज चुका है। इमरान ने जितनी मुल्लागिरी चमकाई थी उसके ऊपर काली पुतने का वक्त आ गया है। कराची में अचानक से बंद किए गए रेस्तरा और वेडिंग हॉल इस बात का सबूत है कि यह मदरसा मुल्क बता कम रहा है छुपा ज्यादा रहा है। अन्यथा जब यहाँ कोरोना वायरस से जंग जीती जा चुकी है फिर इतनी अड़बड़ाहट क्यों है। यूं भी दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान के आंकड़ों पर यकीन नहीं कर रहा है। जिस कोविड-19 ने अमेरिका, ब्रिटेन, इटली तक को घुटनों पर ला दिया, वहां गवार भिखारी कौम जीत गई, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस देश में 139 अस्पताल हैं और लगभग 1100 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है। पूरे देश में 1500 वेंटिलेटर भी नहीं है और जीवन रक्षक दवाएं भी भारत से आयात होती है। केवल इमरान खान के कहने से कोरोना भाग गया हो यह किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। हमने लगातार पाकिस्तान के कोरोना के आंकड़ों की जमकर पोल खोली है। आज जिस तरह पाकिस्तान में फिर से कोरोना के मामले सामने आए हैं उससे हमारा विश्लेषण सही साबित हुआ है। हमने हर बार साबित किया है कि अगर दुनिया में कोरोना के आंकड़े किसी मुल्क ने छुपाए हैं तो वह चीन और पाकिस्तान है, पर मामला अभी यहीं तक नहीं है। आने वाले चंद हफ्तों में इस देश में कुछ और बड़ा देखने को मिल सकता है जिसका हमारे साथ दुनिया को भी इंतजार है, क्योंकि पाक के मुल्ला कितने भी जाहिल और सातिर क्यों ना हो इन्हें आज भी तैमद में छेद बंद करना नहीं आया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।